आज हम बच्चों को खुश करने वाले हैं। बच्चे रोज़ वीडियो देखते हैं, आंटी जी हमारे लिए कुछ लेके आओ कहते हैं। तो आज बच्चों लेके आ गई हूँ मैं आपके लिए डोनट की रेसिपी। तो आ गए हैं किचन में, हो गया है हमारा सारा काम, बनाते हैं रेसिपी, करते हैं डोनट की तैयारी। एक कटोरा ले रखा है हमने मैदा, इस डाल देंगे। एक बाउल मैदा, एक बाउल गेहूँ का आटा, तो इसमें मिला लेंगे। अब ले रखा है हमने हनी, तो हनी को मिला लेंगे दो चम्मच। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर सोडा खाने वाला, तो ले रखा है हमने दो चम्मच मिल्क पाउडर, इसको भी मिला देंगे इसमें बिल्कुल। अब हमने ले रखी है पिसी हुई चीनी छः चम्मच, इसको भी डाल देंगे इसमें। तो अब मिला, इसमें डालेंगे दो चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डालोगे तो दही डाल सकते हो इसमें तीन चार चम्मच। तो हमने आटे को मिला लिया है, अब हम इसको गुनगुने दूध से गूद लेंगे। तो हल्का हल्का करके दूध डालते हैं, सॉफ्ट सा आटा लगा लेते हैं, दूध से ही गूदना है हमको, फिर दिखाते हैं आपको गूद के। आधा घंटा रख दिया था मैंने इसको रेस्ट पे, अब इसको थोड़ा सा हाथ से मल लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है, हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे क्योंकि हाथ चिपकेंगे नहीं। तो अब बनाते हैं हम इसके डोनट। तो देखिए इतना बड़ा चाहिए हमको। इसको बेल लेंगे, फिर दिखाते हैं बेल के। तो देखिए इस तरीके से हमें इतना मोटा चाहिए। अब इसे करने वाली हूँ मैं कटिंग। इधर रखा है मैंने तेल गरम करने के लिए, तो इस तरीके की हमें कटोरी चाहिए, ऐसे करेंगे इसकी कटिंग। तो एक शेप में बढ़िया बनेंगे, दबाएंगे अच्छे से, निकाल लेंगे इस किनारे से। अब लेंगे हम इस तरीके का ढक्कन, ये बोतल का ढक्कन होता है। अब इसमें हम करेंगे सुराख, बीचों बीच में दबा देंगे। अब निकालेंगे इसको, तो देखिए बढ़िया सा सुराख हो गया है। इस तरीके से उठा लेंगे और हाथों से ऐसे करेंगे। अब दिखाते हैं हम इसको तल के। तेल हमारा गर्म हो चुका है, देखिए हम रख देंगे इसमें आराम से। इस तरीके से हम डालेंगे इसके ऊपर से तेल, और हल्की आंच में हमने इसको तलना है। तो तेल को अच्छे से गरम करके उसके बाद हल्की आंच कर देना, तो बढ़िया फूल जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है ये। डोनट पक चुका है, इसको निकाल देंगे, तो फिर दिखाते हैं आपको कितना बढ़िया बना है और फूल के बढ़िया सा। तो आ गए हैं हम बाहर डोनट लेके, तो बनाते हैं अब इसको सजाने वाले हैं हम। तो दिखाते हैं, मैंने चॉकलेट को पिघला रखा है, हम इसको चॉकलेट में डुबाएंगे। तो थोड़ा सा हमको चाहिए बड़ा बड़ा बर्तन, ये देखिए। तो अब रखते हैं इसको ऐसे, हमने ले रखी है सौंफ, तो इसको हम सजा लेंगे। सजाने से क्या होता है, अच्छा दिखता है खाने में स्वाद। तो देखिए हमारे डोनट कितने बढ़िया बने हैं, तो दिखाते हैं आपको हाथ से उठा के। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, कमेंट करना, फॉलो करना, और बच्चों के लिए ज़रूर बनाना। ये बड़ों को भी पसंद है और बच्चों को भी। आपने खाए तो बहुत होंगे, पर आज मेरे तरीके से बना के देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। अंदर तक भी खूब अच्छे पके रहते हैं, पर इसमें चॉकलेट है, अभी ज़्यादा सूखी नहीं है। वाह, तो देखिए कितने बढ़िया पके हैं अंदर से। तो ऐसे आप भी जरूर इसको घर पर बनाना, और YouTube में जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। फिर मिलती है अगली रेसिपी साथ, तब तक के लिए बाय।